अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन के बाद वहां से गायब शिलान्यास पट्टिका का मुद्दा प्रदेश में गर्माना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित करने की मांग की है और इस तरह की कार्रवाई को भाजपा की गिरी हुई मानसिकता करार दिया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका को पुनः स्थापित करने की मांग की है। वहीं कौशल ने कृषि बिल को जन विरोधी करार दिया है और प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा है। प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि सरकार ने अपने वर्तमान शासन में कितने ऐसे काम किए हैं जिनका शिलान्यास बीजेपी ने किया था और उद्घाटन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में केवल उन्हीं कार्य के उद्घाटन हो रहे हैं जिनके शिलान्यास कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं। उद्घाटन की पट्टिका तो प्रधानमंत्री जी ने लगाई, वो तो नजर आ रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का 2010 में जब यूपीए की सरकार हिंदुस्तान के अंदर सत्तारूढ़ थी तो आदरणीय उस वक्त की जो यूपीए की अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी, उनके घर कमलों से और हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की मौजूदगी में उपस्थिति में उस टनल का शिलान्यास हुआ था। बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उद्घाटन की शिला तो लग गई, लेकिन जो शिलान्यास की शिला है, पट्टिका है, उसको कहीं छुपा दिया गया, निकाल दिया गया। और ये एक बहुत संकीर्ण सोच का एक, मैं समझता हूं कि एक प्रदर्शन है। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उस शिलान्यास पट्टिका का जो ये मामला है और वो जो पत्र प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है, उसका सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेने के उपरांत उचित कार्यवाही अमल में लाए। वो प्रदेश की बागडोर संभाले होंगे, कोई प्रदेश का ऐसा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बताए जिसका शिलान्यास भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया हो और उद्घाटन भी जयराम ठाकुर जी ने किया। कोई एक प्रोजेक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के समय के शुरू हुए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, वो अपनी असली शक्ल अख्तियार कर रही है, कंप्लीट हो रही है और उनके उद्घाटन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कर रहे हैं। और उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपमानित करने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस टनल का नाम अटल टनल से रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस टनल को वाकई ही अटल टनल कहना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व से कुछ सीखें भी, प्रेरणा भी लें। वो विपक्ष और विपक्ष के नेताओं का आदर करते थे, सम्मान करते थे और जो काम भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में आने से पहले की सरकारों ने किया उसकी तारीफ भी करते थे, प्रशंसा भी करते थे, श्रेय भी देते थे और ये ऑन रिकॉर्ड है, संसद में भी उन्होंने कई बार इन चीजों को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अटल टनल पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री को गूगल सर्च करके अपना ज्ञान बढ़ाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार ने अटल टनल के लिए 1,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करवाने के बाद ही शिलान्यास करवाया था। मुख्यमंत्री का भी अभी बयान था कि कांग्रेस ने मात्र शिलान्यास किया और कांग्रेस पार्टी का इस टनल को लेकर कोई योगदान नहीं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आजकल तो वो घर पे ही है, ऑफिस नहीं जा रहे,
थोड़ा सा समय निकालें, गूगल पे सर्च करें, वहां उनको मिल जाएगा कि 2010 में यूपी की गवर्नमेंट में, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, उस वक्त की जो हमारी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी, बजट दिया और तत्पश्चात श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया और इस टनल का काम प्रारंभ हुआ। वही प्रदेश में सीमेंट के बढ़ते दामों पर प्रेम कौशल ने कहा कि सरकार ये बताए कि क्या रेट बढ़ाने से पहले सरकार से मंत्रणा हुई थी, क्योंकि कंपनी हिमाचल के अंदर महंगा और बाहर सस्ता सीमेंट बेच रही है। साथ ही कृषि विधेयक बिल को प्रेम कौशल ने किसान विरोधी होने के साथ साथ आम जन विरोधी करार दिया है। इस तरह के कानून बना के इनको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल गलत है। और ये सारे कानून जितने इन्होंने बनाए हैं, ये निश्चित तौर पर जो है वो जन विरोधी है। ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये जन विरोधी भी है। किसान विरोधी तो है, लेकिन ये जन विरोधी भी है। इससे जनता जो है उसका भी जो हाल जो है वो खराब होने वाला है। तो ये जो आज हिमाचल के अंदर, वैसे ही पंजाब हमारा सीमेंट हिमाचल से बाहर सस्ता और हिमाचल के अंदर महंगा है, तो और इस सीमेंट को महंगा करके हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की अगर सहमति से हुआ है तो क्यों, और अगर उद्योगों ने अपने आप दाम बढ़ाए हैं तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है।